हेलो मिस्टर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। ओ हाँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप आज बताओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ऐसे पांच सवालात लेके आई हूँ। आई एम श्योर मिस्टर, पांचवें सवाल का जवाब तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं होगा। पांचवे का नहीं होगा, नहीं पहले सभी, चार का होगा। नहीं सभी टफ हैं। ओके। अच्छा जी, स्टार्ट करें। ओके जी, रनिंग करते हुए पिच के डेंजर एरिया पे कितने बार बैट्समैन भाग गए तो सजा होती है? ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। दो बार, दो बार भागेगा तो पहले में वार्निंग देगा, दूसरी में भागेगा तो अंपायर जो दूसरी टीम है उसको 5 रन देगा। ओके, एम्पायर की जानिब से बैट्समैन आउट डिक्लेयर होने पे क्या फील्ड कैप्टन बैट्समैन को दोबारा बुला सकता है? कहाँ से ले गया ये सवाल, इतने सस्ते सवाल। अरे वो तो शुरुआत है। हाँ बुला सकता है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ यानी फील्ड अंपायर को बताकर उनसे बात करके बुला सकते हैं। बिल्कुल बुला सकता है, एक बार धोनी ने ऐसा किया हुआ है। स्मार्ट। बैट्समैन के ग्लव पे बॉल लगने पे आउट होता है, बट कौन सी कंडीशन पे नॉट आउट रहेगा? मतलब बैट्समैन के ग्लव्स पे बॉल लगे तो वो नॉट आउट रहेगा? नहीं ऐसा नहीं होता, उसके ग्लव्स पे बॉल लगेगा आउट होगा। इवन के जो रिस्ट बैन लगा होता है उस पे भी बॉल लगा हो तो आउट होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिजवान इस तरह आउट हुए थे। सोचो सोचो, यानी बैट्समैन के ग्लव्स पे बॉल लगे और वो आउट नहीं होगा। नहीं आप गलत पढ़ के आए हो, बैट्समैन ग्लव्स पे बॉल लगेगा तो आउट है। अबे सोचो तो सही, बैट्समैन के ग्लव्स पे बॉल लगे और वो आउट नहीं होगा। हाँ नो बॉल होगी तो नहीं होगा, बस यही है। हार मान लो। हार मान गया मिस्टर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, का जवाब नहीं आया आपको। जब ग्लव्स वाला हाथ बैट के साथ कनेक्ट ना हो तो वो आउट नहीं होता। ओके ओके, ये शॉट मारा है, ये हाथ बैट्समैन बल्ले से छूटा और ग्लव्स पे बॉल लगा और नॉट। ओहो, तो किसी के साथ हुआ हो ऐसा इंटरनेशनल? यस, श्रीलंकन क्रिकेटर्स रंगना हैरत। आ आ, रंगना हैरत के साथ हुआ है। ओके, कहा था ना किस सवालों का जवाब, ये थोड़ा सा डाइसी था। अच्छा जी, नेक्स्ट। बट बात समझ आ गई मुझे कि जब आपका हाथ बैट के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब ग्लव्स पे लगेगा तो नॉट आउट है। बिल्कुल ये ठीक है। तो आंसर देना था ना आपने, में निकल गया। अगर फील्डर अंपायर को बताए बिना ग्राउंड छोड़ के चला जाए तो क्या सजा होगी? अगर फील्डर अंपायर को बगैर बताए चला जाए तो क्या ग्राउंड सजा छोड़ होगी? के तो सजा क्या होगी? वैसे तो फील्डर बता के जाते हैं, बट इनकेस अगर नहीं बता के गया तो 5 रन मिलेंगे दूसरी टीम को। ठीक है जी। ओके, लास्ट लास्ट क्वेश्चन। ये सवाल है जिसपे आप कह रहे हो कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। वैसे आपने तीसरे का नहीं दिया था। हाँ, मैंने बताया आपको। सही है। कौन सी फील्डिंग पोजीशन पर किसी भी स्टेज पर और किसी भी फॉर्मेट पे दो फील्डर से ज्यादा नहीं ले सकते? सॉरी समझा नहीं, दोबारा से। ग्राउंड का वो कौन सा हिस्सा है जहां दो से ज्यादा फील्डर्स खड़े नहीं हो सकते? ओके, यानी टेस्ट हो, वनडे हो, T20, कोई भी फॉर्मेट हो, फील्ड कैप्टन की मर्जी है, जहां मर्जी इतनी मर्जी खड़े कर ले। है, ऐसा है। मतलब सर्कल भी नहीं होगा, जो मर्जी जो उनसे मर्जी स्टेज है। ओके, आखिर में भी चार फील्डर तो लो ही होते हैं। कौन सा एरिया, कौन सा एरिया इसमें दो से ज्यादा फील्डर खड़े नहीं हो सकते? नहीं यार, जितना मर्जी खड़े, टेस्ट वनडे T20 तीनों फॉर्मेट में जितना मर्जी खड़े कर लो। है क्या जवाब है? ये तो आपने चेक करके बताना है, और जो लोग देख रहे हैं वो भी मुझे चेक करके बताएंगे कि मिस्टर स्पोर्ट्स बोर्ड से ज्यादा मुझे पता है। यार ये तो बड़ा डाइसी सा क्वेश्चन है। दोस्तों आपकी समझ में है, आ रहा है कुछ? मतलब ग्राउंड का वो कौन सा हिस्सा जिसमें दो से ज्यादा फील्डर खड़े नहीं किए जा सकते? आपकी समझ में आया है तो मुझे जवाब कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में हम इनको पहले जवाब बताएंगे फिर अगले सवाल लेंगे। ओके, बाय बाय।